यूट्यूब से जमेट करने में भी बात करेंगे। EMRS भर्ती 2023 को लेकर एग्जाम डेट को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, कब एग्जाम डेट होने वाला है इसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो कोर्ट ने रोक लगाई थी उसका जो स्टेटमेंट आ चुका है 26 तारीख को, और कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल मे गो ऑन, यानी यहाँ पे जो स्टे है वो हटा दिया गया है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, वो सवाल ये है क्या सच में जो एग्ज़ाम डेट है वो इतने तारीख को होने वाला है, 7 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। 7, 8 और 14, 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम डेट जो होना है उसका जो डिपेंडेंसी है कि ये करेक्शन जो विंडो है वो कब ओपन होता है। अगर करेक्शन विंडो जल्द से जल्द ओपन हो जाता है तो समझ जाइए आपका एग्ज़ाम डेट जो है तय सीमा पे होने वाला है। अगर जो करेक्शन विंडो ओपन होने में देर लगती है उसके रिस्पेक्ट में आप एग्ज़ाम डेट में डिले जो है आप जो है समझ सकते हैं। तो जो कुछ भी होगा सबसे पहले ये ओपन होगा, उसके बाद ही कुछ ओपन होगा। तो अगर आप जो है नज़र इस पे घड़ाए हुए हैं अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी इसमें मेरा व्यू क्या है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, देखिए मुझे लग नहीं रहा कि आपका एग्ज़ाम जो है 7, 8 और 14, 15 को एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अभी करेक्शन विंडो ही नहीं खुला है। अगर करेक्शन विंडो खुल भी जाता है तो ये 7 दिन लग जाएगा, और इसको 7-8 होने में 10 ही दिन बचे हैं, और 7 दिन तो कम से कम यही चलेगा। 2-3 दिन में एडमिट कार्ड बनाना और ये सब प्रक्रिया करना एक बहुत ही आसान काम नहीं है, और इसको ऑर्गेनाइज करना इतना जल्दी पॉसिबल मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगा उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है एग्जाम डेट कब पड़ने वाला है। फिलहाल जो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक करना भूलें, अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए कि ये कुछ अभी अपडेट चल रहा है, एग्जाम डेट होगा या नहीं होगा इसको लेकर मैंने बता दिया है। थैंक यू देखने के लिए, जुड़े रहिए एग्जाम डेट के साथ।